हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देख रहे हो वीके राज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक नए एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है गार्ड प्रॉक्सी। जी हां दोस्तों, गार्ड प्रॉक्सी ऐप क्या है, कैसे करते हैं और इसका क्या काम है, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर सर्च कर देना है, गार्ड प्रॉक्सी एंड सिक्योर प्रॉक्सी। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। लगभग 13 MB का एप्लीकेशन है और कुछ ही देर बाद यह एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है। काफ़ी लोगों ने 4.1 की रेटिंग दिया इस एप्लीकेशन को और काफ़ी अच्छी चीज़ें और फीचर्स दिए जाते हैं इस एप्लीकेशन में। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है एंड ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अलाउ का ऑप्शन आ जाता है, गॉड प्रॉक्सी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे ऐड आ चुका है जो कि हम क्लोज पर क्लिक कर देते हैं या कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं, ऊपर लेफ्ट में है एंड कुछ इस तरीके से इंगित कर रहा है कि इस पर क्लिक करिए। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे स्विच का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेनी एंड अलाउ का ऑप्शन आ गया। तो डेनी पर हम क्लिक कर देते हैं क्योंकि आपको और चीज़ें जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट कुछ इस तरीके से बहुत सारे आ गए हैं और सारे सर्वर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा कुछ इस तरीके से। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका MS सबसे कम रहेगा आप उसी सर्वर को सेलेक्ट करिएगा क्योंकि वह काफ़ी अच्छा रिस्पांस देगा। तो चलिए हम जर्मनी का सर्वर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे ये देख सकते हो टिक लग चुका है। अब बैक आ जाते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो ऐड आ चुका है। अब कुछ इस तरीके से हमको स्विच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके, IP एड्रेस और सब कुछ यहाँ पे बदल दिया जाएगा क्लिक करने के बाद। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, अलाउ का ऑप्शन आ गया, अलाउ पर क्लिक कर देते हैं एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होना चालू हो चुका है। सो थोड़ा सा वेट कर सकते हो और यह VPN आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो डाटा अपलोड, डाटा डाउनलोड स्पीड दिखा रहा है और आपका जो नेटवर्क है, लोकेशन है, चेंज हो चुका है। ओके, अब कनेक्ट होने के बाद आप जैसे गेम्स खेलते हो, पिंग अच्छी नहीं आती है तो उसके लिए यूज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा गेम्स चलेगा, स्मूथ चलेगा। कुछ भी थर्ड पार्टी वेबसाइट एक्सेस करते हो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी स्पीड रहेगी। ओके, और एक बात कि आपका जो नेटवर्क है प्राइवेट हो जाएगा। इसका काम ही यही है कि आपके नेटवर्क को प्राइवेट कर देता है, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आप इंटरनेट एक्सेस कहाँ से कर रहे हो। यूज करने के बाद दोबारा से VPN पर चले जाना है और स्विच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ये जो VPN है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है दोस्तों गार्ड प्रॉक्सी एप्लीकेशन को यूज करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपका कोई डाउट हो या सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना।